तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल के निर्माता असित मोदी इन दिनों विवादों में घिर गए। हाल ही में शो में रोशन सोढ़ी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री जेनिफर मिस्त्री ने शो के मेकर्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अब शो की एक और एक्ट्रेस रही मोनिका भदौरिया ने सेट पर अपने साथ टॉर्चर का आरोप लगाया है। मोनिका इस शो में पहले बावरी का किरदार निभाती थी। शो में बावरी की भूमिका निभाने वाली मोनिका भदौरिया ने आरोप लगाया है। 2019 में शो छोड़ने के बाद निर्माताओं ने उन्हें 3 महीने का बकाया नहीं दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बात करते हुए मोनिका ने कहा, मैंने 1 साल से अधिक अपने पैसे के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने हर कलाकार का पैसा रोक रखा है, चाहे वो राजन अदकट हो, गुरुचरण सिंह भाई। उन्होंने ऐसा सिर्फ टॉर्चर करने के लिए किया है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। मोनिका ने आगे कहा कि मैं सदमे में थी, लेकिन उन्होंने मेरी माँ की मृत्यु के 7 दिन बाद ही फोन किया और मुझे सेट पर रिपोर्ट करने के लिए कहा। जब मैंने कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है, तो उनकी टीम ने कहा, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम जब चाहें आपको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, भले ही आपकी माँ अस्पताल में भर्ती हो या कोई और। मैं सेट पर इसलिए गई क्योंकि वहाँ मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं हर दिन बस रोती थी, ऊपर से उनका टॉर्चर और वो मिसबिहेव भी करते थे। वो कॉल टाइम से 1 घंटा पहले मुझे सेट पर बुला लेते थे, इतनी गुंडागर्दी है उनके सेट पर। वहीं मोनिका भदौरिया ने असित मोदी के रवैये पर भी बात की। उन्होंने कहा कि असित मोदी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, जिसके कारण कोई भी कलाकार उनके खिलाफ नहीं बोलता है। एक्ट्रेस ने बताया कि जो भी लोग शो में काम कर रहे हैं वो उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे मीडिया में उनके बारे में बुरा ना बोलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर भी करवाए थे। जेनिफर मिस्त्री भी तब बोली है जब दूसरे शो छोड़कर चले गए। जब उनके साथ ये चीजें हुई तो उन्होंने आवाज उठाई, सबको अपनी नौकरी बचानी है। असित मोदी ने जितना टॉर्चर किया है उतना किसी ने नहीं किया है। अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि शो के कार्यकारी निर्माता सोहिल रमानी ने नट्टू काका को गाली तक दी थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे 6 महीने के बाद फीस बढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो पैसे की बेईमानी करते हैं, सच में वो कुत्ते के जैसा ट्रीट करते हैं। उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और सोहिल रमानी सबसे खराब है, वो बहुत बदतमीज़ है।